कश्मीर के रियासी से। जम्मू कश्मीर के रियासी में एक दिन पहले जिस बस पर आतंकी हमला हुआ उस बस तक न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है। वैष्णो देवी मंदिर जा रही इस बस पर हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी मैं लगभग 250 फीट नीचे उसी बस के साथ मौजूद हूं जिस बस को कल आतंकवादियों ने निशाना बनाया। रियासी जिले में जो पोनी का इलाका है उसके पास शिव खोड़ी से ये बस में श्रद्धालु जब निकले माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, रास्ते में घात लगाए जो आतंकवादी बैठे थे उन्होंने निशाना बनाया। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि जो ड्राइवर सीट है, ड्राइवर को सबसे पहले आतंकवादी ने सामने से निशाना बनाया। जब उसको हिट किया तो इस बस का ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया और 250 फीट नीचे जो ये बस है वो चली गई। अभी एफएसएल की टीम आप देख सकते हैं ये मौके पे पहुंची है इस बस के पास। जो ब्लड स्टेन है आप देख सकते हैं, ये जो धब्बे हैं ये वो कहानी बयान करते हैं किस तरह से आतंकवादियों ने निहत्थे श्रद्धालुओं को जो है निशाना बनाया। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए हाथ में ये शिव खोड़ी भवन, शिव कोड़ी भवन का जो ये आप देख सकते हैं कि ये उसके साथ साथ यहाँ पे प्रसाद भी हमने देखा कि जो शिव कोड़ी से जो श्रद्धालु लेकर आए थे वो प्रसाद भी यहाँ पे जहाँ तहाँ आपको गिरा हुआ मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो कपड़े हैं श्रद्धालुओं के वो यहाँ पे हैं और यहाँ पे गोलियों के निशान भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो आतंकवादियों की तरफ से चलाई गई इस बस पे। और उनकी कोशिश थी ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं उनकी हत्या करना। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस वक्त बस में जो हैं खून के डब्बे जहाँ तहाँ आपको दिखाई देंगे। ये दिखाता है कि किस तरह से आतंकवादियों की मंशा ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है श्रद्धालु उनको जो है निशाना बनाना है। अभी 250 फीट नीचे ये बस यहाँ पे एक पत्थर पे क्लिफ के साथ अड़ी हुई है और किसी वक्त भी ये नीचे खाई में जा सकती है। लेकिन यहाँ से सब जो यहाँ पे जितने भी इंजर्ड थे उन सबको निकाल लिया गया है और यहाँ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन और न्यूज 18 के पास आतंकी हमले से चंद मिनट पहले का सीसीटीवी वीडियो भी मौजूद है जिसमें वो सफेद बस साफ नजर आ रही है जो श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी लेकर जा रही थी। कल शाम 6 बजे के इस वीडियो में वो बस आराम से कटरा की तरफ बढ़ती दिखी लेकिन करीब 10 मिनट बाद आतंकियों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। हमले की वजह से बस ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी। अभी न्यूज 18 की टीम के पास एक्सक्लूसिव एक्सेस है उस फुटेज का जिसमें जो जिस बस को निशाना बनाया गया है आतंकवादियों की तरफ से उसकी फुटेज आप देख पाएंगे। ये 6:10 पे ये हादसा हुआ है और 6 बजे की ये फुटेज है जिसमें उस बस को आप देख सकते हैं कि ये जो बस है वो शिव खोड़ी से कटरा जा रही थी। आप देखें यही वो बस है, आप देखें न्यूज 18 के माध्यम से एक्सक्लूसिव फुटेज, वही यही वो बस है जो 6 बजे की फुटेज यहाँ पे आप देख सकते हैं और 10 मिनट के बाद ये हादसा होता है और ये शिव खोड़ी से कटरा की तरफ जो है ये बस जा रही थी जब घात लगा के कुछ आतंकवादियों ने इस बस को निशाना बनाया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ड्राइवर को हिट हुआ और ये बताया जाता है कि ड्राइवर को बुलेट हिट हुई है उसके बाद ड्राइवर का जो नियंत्रण था उस बस पे हट गया और साथ में ही जो खाई थी उसमें बस जा गई जिसके बाद भी आतंकवादी नहीं रुके। उसके बाद भी ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो बरसाई गई बस पे